वेल एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर बहुत ही ग्रेट होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल तो हे गाइस, वेलकम टू द हिमाचल एंड मानवी स्पंकर्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएक्सटी टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर के बारे में। वेल तो नाइट वन नाइट टू दोनों मैचेस देखेंगे एंड उनके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो चलते हैं एनएक्सटी टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर के फर्स्ट नाइट की तरफ, जहां पर हमें देखने को मिल सकता है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए पहला मैच, जो कि यो शिराई वर्सेस रेकल गंजाल्स के बीच में। एंड यहाँ पे एनएक्सटी चैंपियन है यो शिराई। वेल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वेल ये दोनों रेसलर्स बहुत ही अच्छा मैच देंगे रिंग के अंदर और बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिल जाएगा। वेल यहाँ पे जो रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रेकल गंजाल्स वो इस मैच को मे भी लगता है मुझे जीत जाएंगी एंड यो शिराई को इस बार लगता है हरा देंगी। वेल नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि एनएक्सटी यूके चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है वॉल्टर वर्सेस तमासो ciampa के बीच में, जो कि मे भी ये हमें हो सकता है मेन इवेंट देखने को मिल जाए। तो यार बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें ये देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यार तमासो ciampa को यहाँ पे इस बार मैच तो जीत जाना चाहिए। वेल अगर वो इसमें वॉल्टर को हरा के विक्ट्री लेते हैं एंड चैंपियनशिप जीते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वेल नेक्स्ट वन मैच की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि हमें कुशीडा वर्सेस पीट डन के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट साफ साफ लग रहा है कि पीटन यहाँ पे इस मैच को मे भी लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से जीत जाएंगे। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि एनएक्सटी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच है, जो कि एमएसके वर्सेस ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स वर्सेस लेगाडो फैंटास्मा के बीच में है, जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। वेल इसमें प्रेडिक्शन की बात करूं या रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स इस मैच को जीत सकते हैं एंड बन सकते हैं न्यू एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। वेल इसके बाद तो हमें सिक्स मैन कंटेंडर गॉन्टलेट एलिमिनेटर मैच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे जस्ट डिफरेंट वर्सेस लियो रॉफ वर्सेस एले नाइट वर्सेस ब्राउनसन ब्रेड वर्सेस कैमरन ग्राइम्स एंड डेक्स्टर लूमिस हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी खासी प्रेडिक्शन मुझे लग रही है कि यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस इस मैच को जीत सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब होप भी लग रहा है कि डेक्स्टर लूमिस इस मैच को जीत जाएंगे। वेल अब चलते हैं नाइट टू की तरफ। तो वेल नाइट टू की तरफ हमें पहला मैच देखने को मिल सकता है, जो कि एनएक्सटी क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि यूनिफिकेशन लेडर मैच है। और यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार वर्सेस जॉर्डन डेवलिन के बीच में हमें मैच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे सुपरस्टार्स हैं। बहुत ही अच्छे खासे मैच हमें देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक्शन भी देखने को मिल सकता है। वेल यहाँ पे मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉर्डन डेवलिन इस मैच को जीत जाएंगे एंड यहाँ पे मतलब चैंपियनशिप को यूनिफिकेट कर देंगे। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच है जो कि एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच है, और ये मैच है शॉर्टजी ब्लैकहार्ट एंड एम्बर मून वर्सेस कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल। वेल यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा मैच यहाँ पे देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई रिजल्ट्स ऐसा ही लगता है कि शॉर्टजी ब्लैकहार्ट एंड एम्बर मून इस मैच को जीत जाएंगी। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए है, जो कि जोनी गर्गानो वर्सेस जो विनर रहेगा गॉन्टलेट मैच का उसका है। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा लग रहा है कि डेक्स्टर लूमिस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यार बहुत ही अच्छी खासी राइवलरी हमें इनकी देखने को मिल रही है, वैसे भी पहले भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे मे भी लगता है कि डेक्स्टर लूमिस फिन जोनी गर्गानो को हरा देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आएगा। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करें तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि अनसैंक्शन्ड मैच है, और ये है काइल रायली वर्सेस एडम कोल के बीच में। वेल बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा एंड बहुत ही बेस्ट मैच है। तो वेल यहाँ पे जो मैं प्रेडिक्शन या फिर रिजल्ट्स की बात करूँ तो मुझे रिजल्ट्स लगता है कि यार यहाँ पे काइल रायली को इस मैच को जीत जाना चाहिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा होगा। वेल नेक्स्ट वन मैच की बात करूँ तो वेल नेक्स्ट वन मैच जो कि हमें नाइट टू का मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, जो कि एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए मैच है फिन बैलर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच में। एंड यार बहुत ही अच्छे दोनों सुपरस्टार हैं और इन दोनों के बीच में हमें बहुत ही अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे फिन बैलर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड कैरियन क्रॉस इस चैंपियनशिप को लेने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इन दोनों के बीच में हमें बहुत ही अच्छा खासा वॉर देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर एंड बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा एंड दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को अपनी ताकत तक पुश कर देंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई फिन बैलर जो कि रिजल्ट निकलते हैं कि भाई फिन बैलर यहाँ पे जीत सकते हैं इस मैच को, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि फिन बैलर ही जीतने चाहिए। वेल आपके क्या प्रेडिक्शन है, आपके क्या रिजल्ट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। I played it in a sense, a feel of discontent.